हेलो एवरीवन आई एम सुरभी एंड वेलकम टू बी एच यू पार्टशाला फ्रेंड्स हम आपके लिए ले कर आए हैं लूसिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्लस उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी रिवाइज करेंगे तो आइए करते हैं हम अपने वीडियो का शुरुआत हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है ऑप्शन है विदेशियों का विवरण धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ और इनमें से सभी फ्रेंड्स जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जो है इसके मुख्यतः चार स्रोत हैं कितने स्रोत हैं चार स्रोत पहला विदेशियों का विवरण धर्मग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से सभी हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स वेदों की संख्या कितनी है वेदों की संख्या चार है कौन कौन से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद फ्रेंड्स आप इस सीरीज को भी याद रखेंगे पहले आए ऋग्वेद आती है सेकेंड नंबर पे, पे जो है वो यजुर्वेद आती है थर्ड नंबर पे सामवेद आती है और फोर्थ नंबर पे जो है वो अथर्ववेद आती है क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सी है तो जो सबसे पहले आई होगी वही सबसे प्राचीन होगी तो सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद को कंसिडर किया जाता है और सबसे अंतिम का वेद जो है वो अथर्ववेद को माना जाता है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन क्या है ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है उद्रातु अधर्यु होत्री उद्रातु जो है वो सामवेद सामवेद के पाठकर्ता को हम उद्रातु बोलते हैं यानी कि जो सामवेद को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं उद्रातु अधर्यु अधर्यु जो है वो हम यजुर्वेद यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम क्या बोलते हैं अधर्यु बोलते हैं होत्री ऋग्वेद के जो पाठ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं होत्री तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा होत्री बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है फ्रेंड्स क्वेश्चन करने से पहले हम ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं का संग्रह है किसका संग्रह है ऋचाओं का संग्रह जो है वो ऋग्वेद है ऋग्वेद में टोटल दस मंडल हैं कितने मंडल हैं टोटल दस मंडल और एक हजार अट्ठाईस टोटल जो है वो सूक्त हैं ठीक है और यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऑप्शन है तीसरे नौवे आठवें दसवें इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है अदर ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं नब्वे ऋग्वेद के नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है और आठवें मंडल में जो है वो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है क्या कहा गया है खिल ऋग्वेद के दसवें मंडल को देखते हैं दसवें मंडल में जो है वो चतुष वर्ण यानी कि जो चार वर्ण है उनका उल्लेख मिलता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है फ्रेंड्स जो ऋग्वेद है उसमें कुछ ऋंचाए जो है वो अग्नि को समर्पित है और कुछ ऋंचाए जो है वो इंद्र को समर्पित है अग्नि को कितने ऋचाएँ समर्पित है अग्नि को दो सौ जो है वो समर्पित है और जो इंद्र हैं उनको दो सौ पचास ऋचाएँ समर्पित है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे लगता है आप लोगों को पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर होगा दो सौ पचास कि ऑप्शन वन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस वेद का निर्माण गध अथवा पथ दोनों में है गध और पथ दोनों को मिलाकर किस वेद का निर्माण हुआ है ऑप्शन है ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद और यजुर्वेद इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर है यजुर्वेद यजुर्वेद जो है उसका निर्माण गद और पद दोनों से हुआ है ठीक है यजुर्वेद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम रिवाइज कर लेते हैं यजुर्वेद जो है उसके हम पाठकर्ता को क्या बोलते हैं अधर्यू अभी मैंने ऊपर बताया है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं अधर्यू यजुर्वेद जो है उसमें जो यज्ञ का नियम और विधि विधान जो है उसका संकलन हमको यजुर्वेद में मिलता है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है ऑप्शंस क्या क्या हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा सामवेद सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उद्रातु। उद्रातु जो है वो सामवेद के पाठकर्ता को बोलते हैं और सामवेद में जो है यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाते हैं ऋचाएँ उनका वर्णन हमको सामवेद में मिलता है बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है किसके जन्म की कन्याओं के जन्म की ऑप्शन है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद ठीक है अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि अथर्ववेद जो है हमारा ऑप्शन में नहीं है अथर्ववेद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं अथर्ववेद जो है उसमें टोटल सात सौ इकतीस मंत्र हैं प्लस 6000 हजार पद हैं सिर्फ पद गद नहीं है इसमें ठीक है और जो है अंधविश्वासों का विवरण हमें जो है वो अथर्ववेद वेद में ही मिलता है अंधविश्वासों का विवरण जो भी है अथर्ववेद वेद में ही हमको इसका जिक्र मिलता है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पुरानों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स पुरानों की संख्या कितनी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पुरानों की संख्या अठारह है और उपनिषद उपनिषद की संख्या कितनी है एक सौ आठ वेदांग वेदांग जो हैं वो छः हैं आप इसे नोट डाउन कर लेंगे ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी पुराणों की संख्या अठारह उपनिषदों की संख्या एक सौ आठ और वेदांग छः ठीक है देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुप्त वंश का संबंध किस पुराण से है किस वंश का गुप्त वंश का ऑप्शंस क्या क्या हैं विष्णु पुराण मत्स्य पुराण वायु पुराण और कोई नहीं एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं विष्णु पुराण विष्णु पुराण का जो संबंध है फ्रेंड्स वो मौर्य वंश से है ठीक है मत्स्य पुराण जो है इसका संबंध जो है वो आंध्र सातवाहन से जो है वो मत्स्य पुराण का संबंध है वायु पुराण वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा पुराण नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक सबसे प्राचीन और प्रामाणिक किसे माना जाता है ऑप्शन है नारद स्मृति मनु स्मृति दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा मनु स्मृति मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक भी है ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी कहाँ वर्णित है इसके ऑप्शन हैं कथावस्तु, कल्पसूत्र भगवती सूत्र और जातक फ्रेंड्स जो कथा वस्तु है इसका जो रिलेशन है वो बौद्ध के हीनयांशा से है बौद्ध के हीनयान सखा से जिसमें बुद्ध जो हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है और कल्पसूत्र और भगवती सूत्र ये जो दोनों हैं इसका रिलेशन जो है वो जैन साहित्य से है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है जातक जातक जो है उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है किसकी जानकारी कश्मीर के इतिहास के ऑप्शन है क्या अष्टध्यायी चचनामा राज और गार्गी संहिता इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है राज तरंगिनी राज तरंगनी में जो है कश्मीर का इतिहास वर्णित है और राज तरंगनी के लेखक कौन है इसके लेखक हैं कलहन कलहन के द्वारा राज तरंगनी की रचना की गई है इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है हम अपने अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं अदर ऑप्शंस क्या क्या है अष्टध्यायी अष्टध्यायी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है अष्टध्यायी की जो रचना है वो पानिनी के द्वारा की गई है और अष्ट अध्याय में जो है पाणिनि जो है वो मौर्य युगीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में बताते हैं चचनामा चचनामा में जो है वो अरबों का जो सिंध विजय है उसका जिक्र हमें चचनामा में मिलता है गार्गी संहिता गार्गी संहिता में जो है हमको यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है किसका पिता इतिहास का ऑप्शन है अलबरूनी हेरोडोटस इरेटोस्थनीज कौटिल्य इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर है हेरोडोटस ओके बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंडिका से हमें किस वंश के समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है इसके ऑप्शन है गुप्त वंश हरियक वंश मौर्य वंश कोई नहीं सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इंडिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी इंडिका जो है वो मेघस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी और मेघस्थनीज जो है किस वंश के काल में भारत आए थे मौर्य वंश के काल में जो है वो भारत आए थे तो जिस वंश के समय में ये आए थे उसके ही समाज और संस्कृति की जानकारी इन्हें प्राप्त होगी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है मौर्य वंश ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है ऑप्शन है पेलनी चौलेमी पानिनी वेनसोंग पीलिनी के जो द्वारा बुक लिखी जाती है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री जो है वो पीलिनी के द्वारा लिखी जाती है टोलिमी जो है उनके द्वारा जो बुक लिखा गया है उसका क्या नाम है भारत का भूगोल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टोलमी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत पर होने वाले खून आक्रमण खून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है तो इसके ऑप्शन है हाथी गुंफा, एरन अभिलेख भीतरी स्तंभ अभिलेख और मंदसौर अभिलेख इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर है भीतरी लेख इससे ही हमें हून आक्रमण की जानकारी मिलती है हम अपने अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख हाथी गुंफा अभिलेख में फर्स्ट टाइम भारत वर्ष का जिक्र हमको हाथी गुम्फा में ही मिलता है एरन अभिलेख एरन अभिलेख जो है इसमें सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो हमको एरन अभिलेख से ही मिलता है बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों द्वारा शुरू की गई किस पर लेख लिखने का सिक्कों पर ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य यवन शासक मौर्य शासक कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर है यवन शासक यवन शासक जो है वो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है ऑप्शन क्या क्या हैं स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त रुद्रदामन पुलकेशन टू एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो हैं उनका संबंध जो है वो किस अभिलेख से है भीतरी स्तंभ लेख से और जूनागढ़ अभिलेख से जूनागढ़ अभिलेख से भीतरी और जूनागढ़ से स्कंदगुप्त का संबंध है समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त का जो संबंध है वो प्रयाग लेख से है किस अभिलेख से है प्रयाग स्तंभ अभिलेख से रुद्रदामन रुद्रदामन का संबंध किससे है जूनागढ़ अभिलेख से जूनागढ़ अभिलेख से जो है वो रुद्रदामन का संबंध है पुलकेशन टू पुलकेशन टू का संबंध जो है वो ए होल अभिलेख से है तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या है पुलकेशिंग टू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये अंतिम क्वेश्चन भी हमारी कलिंग राज खारवेल का संबंध किसका संबंध कलिंगराज खारवेल का संबंध किस अभिलेख से है इसके ऑप्शन है प्रयाग स्तंभ लेख ग्वालियर अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख ऊपर में जैसे कि मैंने बताया कि समुद्र गुप्त का संबंध जो है वो प्रयाग स्तंभ लेख से है ग्वालियर अभिलेख से जो है वो प्रतिहार नरेश भोज का संबंध है किसका प्रतिहार नरेश भोज का जूनागढ़ जूनागढ़ से जो है वो रुद्रदामन का संबंध है और स्कंदगुप्त का भी इससे संबंध है हाथी गुंफा विलेख इसका संबंध जो है वो कलिंग राज्य खारवेल से है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कलिंग राज खारवेल ओके का संबंध हाथी गुंफा विलेख से है फ्रेंड्स आपके लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे क्वेश्चन है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है ठीक है यहीं पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है इसका करेक्ट आंसर जो है आपको वीडियो के नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे ओके थैंक यू